कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाले बेहतरीन मशीन। अभी के टाइम पे दुनिया के किसी न किसी कोने में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी काम को आसान बनाने के लिए दुनिया में कई ऐसी मशीन बनाए गए हैं जिससे काम आसान और काफी जल्दी हो जाए। इसमें पहला है रोड प्रिंटर मशीन। इसे खासकर ईटों के छरके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां वर्कर को बनाने के लिए कई दिन लगते थे, उसी काम को ये मशीन एक ही दिन में करते हैं। इससे कम समय में काफी ज्यादा रोड बन जाते हैं। उसके बाद है 3D कंक्रीट। ये कंक्रीट पानी को अपने अंदर सोख लेता है। बारिश के टाइम पे जब पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकता तब बाहर आ जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि ये कंक्रीट पानी को अपने अंदर सोख लेता है। इसी कारण से ये बार को काफी हद तक मेंटेन करके रख सकता है क्योंकि बारिश होने पर पानी को अपने अंदर सोख लेगा और उसे जमीन में भेजेगा, जिससे ना ही वाटर ब्लॉक होगा ना ही बार जैसी कोई परेशानी होगी क्योंकि ये कंक्रीट 18 गैलन जितना पानी अपने अंदर सोख सकता है। उसके बाद आता है रोलिंग बैरियर, जो कि एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाया गया है क्योंकि अभी के टाइम पे ज़्यादातर एक्सीडेंट हाई स्पीड की वजह से होता है। गाड़ी के हाई स्पीड के टाइम पर अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उसे रोकने के लिए ये बैरियर बनाया गया है। ये बैरियर बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी रोक सकता है। जब भी कोई गाड़ी इसकी तरफ आता है तो इसमें यूज होने वाली बैरियर से जब गाड़ी टकराता है तो ये बैरियर गाड़ी को घुमाकर आगे की तरफ धकेल देता है, जिससे गाड़ी में यूज होने वाली फोर्स कम हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है, जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होता। इससे गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान होने के अलावा और कुछ नहीं होता है। अभी के टाइम पे हमारे देश के ज़्यादातर घर कंक्रीट से बना हुआ होता है, जिसमें वर्कर को थका देने वाली मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कंक्रीट को बनाना, ईंटों को वहां से यहां रखना और अपने हाथों से दीवार पर प्लास्टर लगाना काफी जोखिम भरा होता है। इसी काम को आसान बनाने के लिए कई मशीन बनाए गए हैं। उसमें पहला है प्लास्टरिंग स्प्रे मशीन, जिसमें सबसे पहले सीमेंट के पेस्ट को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर ये मशीन एक पाइप के जरिए उसे दीवार पर स्प्रे किया जाता है, जिसके मदद से कुछ ही घंटों में एक कमरे को अच्छे से प्लास्टरिंग किया जा सकता है। और दूसरा है प्लास्टरिंग मशीन। पहला जो मशीन था वो इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये मशीन अपने आप प्लास्टर करते हैं। कुछ वर्कर सबसे पहले इसमें सीमेंट की पेस्ट डालते हैं, फिर ये मशीन अपने आप ही दीवार पर प्लास्टर लगाना शुरू कर देता है। और ये मशीन इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक दीवार को प्लास्टर कर देता है, जहाँ वर्कर को ये काम करने में पूरे एक दिन का समय लगता है, वहाँ पर ये मशीन कुछ ही मिनटों में उसी काम को बेहतरीन तरीके से कर देता है, जिससे टाइम और पैसे के भी बचत होता है। ये मशीन बिना किसी परेशानी से काम को काफ़ी स्मूथली करते हैं। उसके बाद आता है रोड मार्किंग मशीन। इसकी मदद से रोड पर बनी लाइन को फिर से
कलर किया जाता है, जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग से लेकर रोड डिवाइडर को भी रिपेयर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मार्किंग किया जाता है और फिर उस बॉक्स में व्हाइट पेन या और दूसरा कलर भरते हैं और मार्क की हुई हिस्से को कलर करके नए जैसा बनाया जाता है, जिससे आने वाले गाड़ी के ड्राइवर को ठीक से दिखाई दे और ट्रैफिक और एक्सीडेंट को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि रात के टाइम पे ये दिखाई ना देने की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है, बाद में परेशान ना हो इसलिए समय समय पर इसे कलर किया जाता है। ये मशीन आ जाने से वर्कर को काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, वरना पहले तो एक दिन में एक ही जबरा क्रॉसिंग कंप्लीट होता था, अब इसे आने से वही काम कुछ ही घंटों में या फिर मिनटों में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा करने से टाइम काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। इसके बाद और आखिरी मशीन है पेवर लाइन मशीन, जिससे काफ़ी आसानी से किसी भी सरफेस को ईंटों के ब्लॉक से बनाया जाता है, जिस काम को करने में पहले मजदूरों को कई महीने लग जाते थे उसी काम को ये मशीन एक ही दिन में करते हैं। पहले तो ये मशीन कई सारे पत्थरों के ब्लॉक को उठाकर एक जगह रखते हैं और फिर एक वर्कर उसी पत्थरों को सही तरीके से सेट करते हैं, जिससे काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है और फिर एक या दो दिन में ही पूरा काम कंप्लीट होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।